अस्सलाम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, सब खैरियत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। आज आप जैसा कि जानते हैं कि आज 29 फरवरी है। तो जैसा कि आपको पता है, हर 4 साल बाद जो है वो बल्कि 3 साल बाद जो चौथा साल आता है तो वो लीप ईयर कहलाया जाता है। और लीप ईयर में फरवरी के 28 डेज नहीं होते बल्कि 29 डेज होते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि हर 4 साल बाद ऐसा क्या होता है कि फरवरी का एक दिन जो है वो बढ़ जाता है? तो जी, इसके पीछे जो रीज़न है वो मैं आज आपको बताता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वैसे तो बड़ा ये अजीबोगरीब दिन होता है कि जिन लोगों की 29 फरवरी को पैदाइश होती है तो उनकी जो बर्थडे है वो 4 साल बाद जो है वो दोबारा आती है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप किसी को पूछें कि आपकी उम्र कितनी है तो वो कहे कि मेरी उम्र जो है वो 20 साल है लेकिन मैं अपनी 5वीं बर्थडे मना रहा हूँ। तो ये एक कैलेंडर ईयर में चलता है। तो जी, मामला कुछ यूँ है, ये एक बड़ी छोटी सी वीडियो है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम्प्लीट देखिएगा। मामला कुछ यूँ है कि जैसा कि आपको पता है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपने मदार में जो एक चक्कर मुकम्मल करती है वो 365 दिन हम उसको काउंट करते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 365 दिन में करती है, मदार में अपने चक्कर मुकम्मल करती है, बल्कि हम उसको 365 दिन काउंट करते हैं। तो हम उसको 365 दिन क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि जी, तो ज़मीन जो है वो अपने मदार में जो सूर्य के गिर्द जो है वो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है तो हम उसको काउंट करते हैं 365 दिन का एक चक्कर, और जिससे हमारा साल भी कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली वो 365 दिन पूरे नहीं होते बल्कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का वो एक चक्कर होता है। और इसी तरह हम हर साल जो है वो 5 घंटे 48 मिनट जो है वो अपने साल में से स्किप करके इस साइड पे कर देते हैं। और जब 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो जब चौथा साल आता है तो ये हर साल का जो 5 घंटे और 48 मिनट हमने साइड पे किए होते हैं ये पूरा एक दिन बन जाता है 24 घंटे का। तो अब इसको एडजस्ट करना, साइंसदानों ने एडजस्ट करना था, तो उन्होंने कहा कि इसको किस महीने में हम एडजस्ट करें कि हमारा जो है वो कैलेंडर जो है वो कंप्लीट हो जाए और जो उसमें एनुअल 5 घंटे 48 मिनट का जो फ़र्क आ रहा है उसको हम जो है वो एडजस्ट कर लें इसमें। तो सबसे छोटा महीना चुना गया जो फरवरी था, 28 दिन का। तो उसमें फिर हर 3 साल के बाद जब चौथा साल आता है जिसको हम लीप ईयर कहते हैं उसमें एक दिन का इजाफा करके तो अपने कैलेंडर को सेट कर लिया जाता है। तो ये मेन रीज़न थी जी कि जो हम जो है वो हर चौथा साल जो है वो फरवरी जो होता है वो 29 दिन का मनाते हैं। और मैंने कहा चलें आज 29 फरवरी है तो आप लोगों के इलम में इजाफा कर दूँ, जिन भाइयों को नहीं पता था तो उनको बता दूँ। वैसे इसके मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो रवायात भी हैं, आयरलैंड हॉलैंड वगैरह में जो है वो इस ईयर को जो है वो बैचलर्स डे भी कहा जाता है, लेडीज़ का इसको खसूसी दिन भी कहा जाता है कि वो किसी दिन प्रपोज़ करें अपने लव वंस को। तो ये मुख्तलिफ़ रवायात हैं लेकिन इसके पीछे जो साइंसी हकीकत है वो यही है कि हम हर साल जो है वो 5 घंटे 48 मिनट खा जाते हैं और 3 साल बाद जब चौथा साल आता है तो हम उसमें एक दिन का इजाफा करके अपने कैलेंडर ईयर को सेट कर लेते हैं। तो ये थे जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।